बहुचर्चित कटनी हवाला कांड के आरोपी संतोष गर्ग के शव को अंतिम संस्कार से ठीक पहले हरिद्वार पुलिस ने खड़खड़ी शमशान घाट से कब्जे में ले लिया। संतोष गर्ग की ऋषिकेश स्थित एम्स में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मौत के बाद उसके परिजनों ने मध्य प्रदेश के सिहोरा में अंतिम संस्कार की बात कही, लेकिन हरिद्वार में अंतिम संस्कार करने के लिए घाट पहुंच गए। हरिद्वार पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली वो तत्काल शमशान घाट पहुंची और अंतिम संस्कार रुकवाते हुए संतोष का शव अपने कब्जे में ले लिया। शमशान घाट पे हमने जाके जो है पूछताछ की तो उनके द्वारा बताया गया कि भाई पुष्पा गर्ग नाम की एक औरत ने जो है एक शव लेकर आई थी, वो यहाँ रखा हुआ है। उसने बताया कि मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। उसने आईडी रखी थी, आईडी में उसके पति का नाम संतोष गर्ग लिखा था, जिससे जो है ये लगा कि भाई ये वही व्यक्ति होगा, ये वही संतोष गर्ग नाम का आदमी होना प्रकाश में आया। मध्य प्रदेश से ऋषिकेश आके इलाज कराना अपने आप में संदिग्ध है और वांछित भी है ये उस मामले में। इस संबंध में जो है उसके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि गर्ग की पत्नी ने पुलिस के आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि गर्ग पिछले 10 सालों से अस्पताल में इलाज करा रहा था। आरोप जो लगे मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, झूठे आरोप हैं। बाकी वो बीमारी से मरे हैं, आप एम्स हॉस्पिटल में आप पता कर सकते हैं। और 10 सालों से इनका इलाज चल रहा है, जबलपुर हॉस्पिटल में पूरी फाइलें हैं। लोगों ने जो झूठा बोला है कि उनका मर्डर हुआ है और सुसाइड किया है, ये वो देख लें यहां आके कि उनकी हालत क्या है, कि वो कितनी बीमारियों से घिर रहे थे। गौरतलब है कि बहुचर्चित कटनी हवाला कांड में आरोपी बनाए गए संतोष गर्ग ने बैंक में फर्जी खाता खोलकर लगभग 90 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया था। कटनी पुलिस ने संतोष गर्ग को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम घोषित किया था। संतोष गर्ग की मौत के बाद अब पुलिस इस जांच में जुटी है कि गर्ग की मौत स्वाभाविक थी या फिर हवाला कांड से जुड़े अपराधी इसमें शामिल थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।